खबर शामिल करते हैं। जिला सखर, तहसील पुनू, आकल, कस्बा ठुकराटो, सुल्तानपुरा गांव गोठ आकल मर में रोड तकरीबन 20 साल से टूट फूट का शिकार है। नुमाइंदा का कहना है ठेकेदार पैसे लेकर फरार हो गया और सड़क को लावारस ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल और गाड़ियों के टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। रोड पर पत्थर होने की वजह से गांव की तरफ कोई सवारी नहीं आती। लोगों का कहना है कि जब वोट लेना होता है तो सिंध के साईं कायम अली शाह, मुराद अली शाह, अवैस अली शाह वादा करके चले जाते हैं, मगर पिछले 20 साल से हमारे गांव की हालत तब्दील नहीं हुई। हमारे सखर के नुमाइंदा इकबाल अली से लोगों ने बात करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम भाई, आपको क्या तकलीफ है? रोड की तकलीफ है। कितना टाइम हो गया? ये 20 साल हो गया है। आप क्या जाना चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, हमारे तो टायर ही खत्म हो गए हैं। अच्छा, गाड़ी खत्म हो गई है, क्या करें? अच्छा, ये पत्थर जो है ये खत्म हो गए हैं पड़े पड़े। अच्छा, कोई मालिक नहीं, कोई रोड का मालिक नहीं, क्या करें? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम हाफिज बिशारत अली है, मैं गोठ अकलमार में बैठा हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसको तकरीबन 20 साल हो गए हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तब ये पत्थर इधर फेंका गया था, अब तक कोई ये रास्ते का हल नहीं हुआ है। हम जब बड़े हुए हैं, समझदार हुए हैं, तो बड़ों से यही सुन के आते हैं कि जी ये भुट्टो पीपल्स पार्टी को हम वोट देते हैं, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, इकरामुल्ला खान धारे जो, अब तक इन रास्ते का कोई हल नहीं हुआ, हमें बड़ी तकलीफ है। और अवेश शाह भी हम उनको वोट देते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं, हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सिंध के जो लीडर हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, अवेद शाह और इकरामुल्ला खान धारे जो से हम अपील करते हैं कि हमारे ऊपर ये मेहरबानी करें, इन रास्ते का कोई हल निकले। 8 गांव हैं जो इन रास्ते से गुजर सफ़र उनका होता है, बड़ी तकलीफ़ है। ये देख रहे हैं जो ये रास्ते के जो नीचे हैं, सड़क के नीचे जो ये खड्डे हैं, इधर कभी कभी गाड़ियाँ भी कल्टी होती हैं, बड़ा नुकसान होता है, कोई हमारे पास जो सुख नहीं है। हम अपील करते हैं पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को कि हमारे साथ हमारा जो है हक, वो हमें हक दिया जाए। चाचा, आप क्यों ये जलूस निकाला है? भाई इसलिए निकाला है कि इसको 16 साल हो गए हैं, इस पत्थर को मुशरफ के दौर का ये पत्थर पड़ा हुआ है, अभी तक के वही पत्थर पड़ा है, वो जो है मिट्टी हो गया और हमें बहुत तकलीफ़ है। पूरे गांव के 8 गांव हैं इस रोड के पीछे। आपके गांव का नाम? अकल गोठ, फेसुड़ और शान गोठ, थुमी, समनाबाद, बहुत सारे गांव हैं और बहुत हमें तकलीफ़ है। हमने बोल बोल के हम तंग आ गए हैं। सुल्तानपुरा गांव गोठ आकलमर में लोगों ने एहतजाज किया और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कैमरामैन शबान अली के साथ जवार इकबाल, सिटी FSD न्यूज़, सखर ठुकराटो।